साथियों, हजारों सफल अभ्यर्थी भी बाहर होंगे। जी, आपने सही सुना फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कट ऑफ हाई गई है। हाई जाने का चांस कारण क्या है, आप सभी जानते हो कि जितने भी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट थे, चाहे वो डीलेड हो या सीटेट हो, वो सभी का रिजल्ट पब्लिश किया गया है। और पब्लिश जब किया गया है तो उस कंडीशन में कट ऑफ हाई चल गई है, जितना सोचा नहीं जा सकता था। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको यहां पर वेटिंग लिस्ट बन रही है, वेटिंग लिस्ट तैयार होगी, दूसरा तीसरा मेरिट लिस्ट भी आने वाली है। तो जिनका कम नंबर आ रहा है वो हताश नहीं हो, निराश नहीं हो। क्या है मामला, मैं आपको पूरा ए टू जेड जानकारी के साथ देने वाला हूँ। उससे पहले आपको मैं बता दूँ, जितने भी सफल स्टूडेंट हुए वे काउंसिलिंग के लिए रेडी रहेंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेंगे और 9:30 बजे तक वहाँ पर उपस्थित हो जाना है। जहाँ भी आपको पड़ा है, जिस भी जिला में पड़ा है, वहाँ के DRCC ऑफिस में आपको जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स को सत्यापन कराना है। और साथ ही साथ आपको जो है उस समय आपका स्कूल के लिए आवंटन भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो वेटिंग लिस्ट का जो मामला है, सरकार से निर्देश मिलने पर वेटिंग लिस्ट वालों को भी मिलेगा अवसर। जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम है, वे लोग हताश निराश ना हो, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि कई अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों परीक्षा में सफल हुए हैं, वह किसी एक में ही योगदान कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में कई सीटें जो है खाली रह जाएगी। राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर आयोग इन सीटों पर नियुक्ति के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार कर मेधा सूची भी जारी करेगा। तो यहाँ पर जो है आप लोग भी, जिनका भी 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर या 4 नंबर कम आ रहे हैं, वे सभी क्या करें, वेटिंग लिस्ट की मांग करें, राज्य सरकार से गुहार लगाए। जब वे यहाँ पर BPSC को बोल देते हैं, BPSC को सूचना मिल जाएगी राज्य सरकार द्वारा, तो फिर वेटिंग लिस्ट तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिणाम पूरी तरीका से औपबंधिक है, ये जो है फाइनल परिणाम नहीं है, ये औपबंधिक है। कई अभ्यर्थियों ने सीटेट उत्तीर्णता आदि से संबंधित अर्हता की जानकारी आयोग के उपलब्ध नहीं कराई है, फिर भी उनका परिणाम जारी किया कर दिया गया है। बहुत ही बड़ी मामला है। यहाँ पर देख सकते हो कि जो स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाइड नहीं हुए या BEd या DLED क्वालिफाइड नहीं हुए, उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में जब सत्यापन होगा, तो सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेज और प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उनका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। जब रद्द कर दिया जाएगा तो इनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी ऑफर है फ्रेंड्स। जिनका भी 1-2 नंबर कम आ रहे हैं, वो लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर BPSC तुक्का से तो पास कर गए हैं, बट ये जो है आपका सीटेट हो गया, डेलेट हो गया, ये क्वालिफाइड नहीं है। तो उस कंडीशन में वह सीट खाली रहने के चांसेस है। अब मैं बता दूं कि जितने भी सफल स्टूडेंट रहे हैं, उनको क्या है करना, क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, नियुक्त शिक्षकों को ऑनलाइन आवंटित होंगे स्कूल, ठीक है ना। ऑनलाइन ही आपका स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। BPSC द्वारा पटना में नियुक्त घोषित कुल 49 शिक्षकों के बुधवार की काउंसलिंग की गई है। अंग्रेजी में 35, हिंदी में 5, संस्कृत में 8, उर्दू में 1 अभ्यर्थी शामिल है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल ने बताया कि इन सभी अभ्यर्थियों का कागजातों के सत्यापन के बाद परीक्षण केंद्र आवंटित कर दिया गया है। यह शिक्षक 1 नवम्बर तक आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 2 नवंबर से मुख्यमंत्री नियुक्ति पद का वितरण करेंगे। इसके बाद उन्हें ऑनलाइन स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही तेज़ी से काम हो रही है। साथ ही साथ वेटिंग लिंक के लिए आप सभी मांग कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप सभी को वेटिंग लिस्ट भी मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।